गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग प्रीवियस वीडियो में उरांव जनजाति देख रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। उरांव जाति में जनजाति में आज हम लोग देखेंगे इनका युवा गृह। इनके युवा गृह को घुमकुड़िया या फिर किसी बुक में आप किसी किसी बुक में आपको मिल सकता है धुमकुड़िया। क्लियर? तो घुमकुड़िया इनके युवा गृह को घुमकुड़िया कहते हैं। क्लियर? नाउ घुमकुड़िया यह जनजातियों का ट्रेनिंग सेंटर होता है, जहां एक सफल सामाजिक व्यक्ति बनने की शिक्षा दी जाती है। क्लियर? यहाँ अनमैरिड युवक युवतियाँ रहते हैं। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग घुमकुड़ियाँ का प्रबंध होता है। क्लियर? ना युवकों के लिए जो घुमकुड़िया होता है उसको कहते हैं जोंक एड़प्पा, और युवतियों के लिए जो होता है उसको कहते हैं पेल एड़प्पा। इनका जो जोक एड़प्पा का जो प्रधान होता है, मुखिया होता है, उसको महतो या धांगर कहते हैं। इसका प्रधान जो होते हैं जोक एड़प्पा का प्रधान, इसको महतो या धांगर कहते हैं। पेल एड़प्पा का जो प्रधान होती हैं उसको बढ़की धांगरिन कहते हैं। क्लियर? बढ़की धांगरिन इसके प्रधान को महतो या धांगर। क्लियर? ना जोक एड़प्पा को धांगर कुड़िया भी कहते हैं। जोक एड़प्पा इसको धांगर कुड़िया भी कहते हैं, धांगर कुड़िया। क्लियर? जोक एड़प्पा मीन्स उरांव जनजाति में युवा गृह को घुमकुड़िया कहते हैं। युवकों के लिए अलग घुमकुड़िया होता है, युवतियों के लिए अलग घुमकुड़िया होता है। युवकों के घुमकुड़िया को जोंक एड़प्पा या धांगर कुड़िया कहते हैं, युवतियों के घुमकुड़िया को पेल एड़प्पा कहते हैं। ना इसके प्रधान जोंक एड़प्पा के प्रधान को महतो या धांगर कहते हैं, और पेल एड़प्पा के प्रधान को बढ़की धांगरिन कहते हैं। क्लियर? ना घुमकुड़िया में प्रवेश जनरली सरहुल में किया जाता है। प्रायः सरहुल में किया जाता है एज पर लुसेंट झारखंड जीएस। क्लियर? घुमकुड़िया में प्रवेश प्रायः सरहुल में किया जाता है। ना अर्थव्यवस्था, उरांवों की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो ये मुख्य पेशा इनका कृषि है। पेशा कृषि है। इनके प्रिय पेय की बात करें तो हड़िया है।
ना उना कुछ नोट करके कुछ फैक्ट्स हम लोग लिखेंगे उरांव ट्राइब्स के, उरांव जनजाति के बारे में। फर्स्ट, उरांव जनजाति के लोग बंदर का मांस नहीं खाते हैं। क्लियर। उरांव लोग बंदर का मांस नहीं खाते हैं, यह पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है। क्लियर। इनमें गोदना की प्रथा प्रचलित है। जो फीमेल होती हैं उनमें, उरांव जनजाति की फीमेल में गोदना की प्रथा प्रचलित है। प्रचलित है। क्लियर। इनका मानना है उरांव और जनजाति के लोगों का कि मरने के बाद सारे जेवर इनके यहीं उतार लिए जाएंगे, बट गोदना उनके साथ चला जाएगा। क्लियर। ना उरांव जनजाति में त्यौहार के अवसर पर फेस्टिवल में ये स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, जिस ड्रेस को इनके पहनावे के को मेल के पहनावे को अलग नाम दिया गया है, फीमेल के पहनावे को अलग नाम दिया गया है। त्यौहारों के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने जो पुरुष पहनते हैं उस वस्त्र को क्या कहते हैं? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? तो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को केरिया कहते हैं, केरिया, और इनके महिलाओं द्वारा खनेरिया। क्लियर। ये हमें याद रखना होगा, केरिया एंड खनेरिया। ना उरांव जनजाति में विवाह का नेक्स्ट इज विवाह। विवाह की बात करें तो उरांव जनजाति में जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, दैट इज आयोजित विवाह, ऑर्गेनाइज्ड मैरिज। क्लियर। आयोजित विवाह। क्लियर। इनके आयोजित विवाह के अलावा सेवा विवाह, गोलट विवाह, विधवा विवाह भी उरांव में बहुत प्रचलित हैं। क्लियर। लड़का जो वर पक्ष होता है उस उन्हें वधु मूल्य देना पड़ता है। वधु मूल्य की परंपरा इनमें भी है, वर पक्ष को देना पड़ता है। क्लियर। वधु मूल्य। क्लियर। वधु मूल्य। नाउ इनके धर्म की बात करें तो इनका जो सबसे बड़ा देवता होता है उन्हें धर्मेश कहते हैं। धर्म की बात करें तो
धर्मेश को जो उराव जनजाति है वो इनकी तुलना सूर्य से करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज पहाड़ देवता। उराव के जो पहाड़ देवता हो हैं उनको कहते हैं ये मरांग बुरु। क्लियर। पहाड़ देवता को मरांग बुरु कहते हैं। सीमांत देवता। को ये कहते हैं डिहवार। सीमांत देवता को ये कहते हैं डिहवार। क्लियर। ना कुल देवता। कुल देवता को पूर्वज आत्मा। क्लियर। ना उराओं के पूर्वजों की आत्मा ससान में निवास करती है। ससान में निवास करती है। क्लियर। ना इसका महत्व वे उनके बीच जो उराओं के बीच ससान का महत्व एक पूजा स्थल के समान है। क्लियर। आगे देखते हैं धार्मिक प्रधान। उराओं में जो धार्मिक प्रधान होते हैं को पाहन कहते हैं। क्लियर। मीन्स उराव में जो धार्मिक प्रधान होते हैं उन्हें पाहन कहते हैं और जो गांव का मुखिया होता है उसे महतो कहते हैं। तो उराव में एक कहावत प्रचलित है, पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। क्लियर। तो आगे देखते हैं सरना। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान में रखना है। उराओं का मुख्य पूजा स्थल है ये। उराओं का मुख्य पूजा स्थल ये जो सरना है उराओं का मुख्य पूजा स्थल है। क्लियर। ना आगे देखते हैं त्यौहार। त्यौहार की बात करें उराओं की तो ये कर्मा सरहुल इत्यादि त्यौहार मनाते हैं। वैसे डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे इनके उराओं और जितने भी ट्राइब्स हैं उनके फेस्टिवल्स के बारे में अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर। सरहुल आदि ये शिकार भी करते हैं। अलग अलग शिकार को डिफरेंट नेम दिया जाता है वो हम लोग देखेंगे जब अलग टॉपिक पढ़ेंगे। त्यौहार जनजातियों का त्यौहार वहाँ पढ़ेंगे। क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।